हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जो भी हमारे फ्रेंड्स बीएड या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों से एक जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास पहुँचे, और बिना स्किप किए वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो शेयर भी करें। एक छोटी सी आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में, क्या क्या इसमें फीस है, कितने क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भराने का डेट है। 1/7/2022 से ये फॉर्म निकल चुका है, इसको लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का है 1/8/2022 तक। उसके बाद इसमें जो डिग्री लगता है, इसमें 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, और जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% होना बहुत कंपलसरी है। अगर इतना नहीं है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, इससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। चलिए हम बात करते हैं कि चार्ज का, इसमें फॉर्म भरने का कितना चार्ज लगता है। जनरल के लिए 1000 रुपये है, और OBC EWS के लिए 750 रुपये है, और SC ST के लिए 520 रुपये है। अभी के डेट में अगर कोई फ्रेंड बीएड करना चाहता है तो अभी एक अच्छा मौका आ गया है कि जो इंटर पास हैं वो डायरेक्ट एडमिशन बीएड में ले सकते हैं, और ग्रेजुएशन का डिग्री भी साथ में मिलेगा और बीएड का भी साथ में मिलेगा। इसलिए अच्छा मौका है जो बीएड करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ग्रेजुएशन के बाद तो 2 साल का होता ही है, लेकिन इसमें 4 साल का होता है, सिर्फ डिफरेंस यही है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में जैसा मार्क्स आएगा उसके अनुसार जो है आपको कॉलेज मिला जाएगा। काउंसलिंग करने के बाद कॉलेज मिलेगा। बहुत ही मिनिमम सा चार्ज लगता है, जो कि बहुत ही कम है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है इतना सा चार्ज बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन के साथ में। फ्रेंड्स, अभी सिर्फ ये 4 कॉलेज में ही बीएड के साथ में जो ग्रेजुएशन है, ये सिर्फ 4 कॉलेज में ही अभी उपलब्ध है। इसके बाद अगला सेशन से हो सकता है कि ऑल ओवर बिहार में ये हर एक कॉलेज कराने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 4 कॉलेज में ही इसका कोर्स का जो है व्यवस्था किया गया है। फॉर्म भरने का जो है क्या प्रोसीजर है, पहले लॉगिन आईडी ईमेल से करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें एक फ़ोटो लगेगा, 50 KB होना चाहिए। तीन चरण में फॉर्म फिल होगा। ऑनलाइन पंजीकरण करना पड़ेगा पहले, द्वितीय चरण में आवेदन पत्र को पूर्ण भरना पड़ेगा, तृतीय चरण में जो है ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, जो जिसका चार्ज जितना है वो भरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ पेमेंट जो है सिर्फ 3 ही चीज़ से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड से आप कर सकते हैं। इसके अलावा और UPI वगैरह नहीं दिया गया है, ये एक दिक्कत है। पहले आपको ईमेल से रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स पूरा भरना पड़ेगा, उसके बाद जो है यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स भरना पड़ेगा, कहाँ से आप जो है 10+2 किए हैं, कौन सा सेशन में किए हैं, कितना मार्क्स आया है, सारा कुछ भरना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि सेंटर जो है चूज़ करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ 2 शहर ही आप चूज़ कर सकते हैं सेंटर के लिए। उसमें आगे बताएँगे कि कौन कौन सा शहर सेंटर के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रीव्यू एंड कंफर्म, अगर आप सेंटर चूज कर लेते हैं उसके बाद जो है प्रीव्यू कर लीजिए कि आपका फॉर्म में कहाँ पे गलती है, कहाँ पे सही है। अगर गलत हो रहा है तो यहाँ सही कीजिए दोबारा, फिर से अगर दोबारा सही करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो है उसका प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद जो है प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसके संभाल के रखिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है,
देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है क्या क्या भरना है नहीं भरना है। जैसे एक नंबर में है नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है। चार नंबर में डेट ऑफ बर्थ, जो जो आपको हाई स्कूल का जो मार्कशीट वगैरह है, जो भी सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग ही भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है ईमेल आईडी जो बनाए हैं आपने, मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, इसमें ओटीपी आएगा जो आपके पास रहता है। उसके बाद जेंडर डाल दीजिएगा, नेशनलिटी डाल दीजिएगा इंडियन, उसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार, जो बिहार के हैं बिहार डाल दीजिएगा। और फिर कैटेगरी में जो है आपका रिजर्वेशन कैटेगरी, वो कैटेगरी डालिएगा। अगर कोई जो है फिजिकल हैंडीकैप है तो वो डाल सकते हैं 11 नंबर कॉलम में, नहीं है तो वहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद जो है कंप्लीट जो है पोस्टल ऑर्डर एड्रेस जो है सही से भरिएगा, और पिन कोड भी सही भरिएगा। उसके बाद जो है अगर कोई फोटो युक्त जो है पहचान पत्र होगा, आधार कार्ड होगा, जो है भी इसका नंबर बहुत अच्छे से भरना है ताकि मिस्टेक ना हो। फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना है जो जिसमें क्लियर फेस दिखे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र को अपलोड करना पड़ेगा, और जो है इंटर का अंक प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर कोई जो है रिजर्वेशन अगर कोई हैंडीकैप का लेता है तो उसके लिए यहाँ पे 18 नंबर कॉलम में बोला जा रहा है कि उसका मूल प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ेगा जब वो काउंसलिंग में आएगा, तो उस टाइम उसको देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये 19 नंबर कॉलम में है परीक्षा, जो बताए थे आगे में भी कि दो शहर में ही, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में ही आयोजित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया, मतलब अगर कोई परीक्षा सेंटर को अगर चेंज कराना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो सकता है। और जो है ये तो हमने चार्ज के बारे में ऊपर पहले ही बता दिए थे। उसके बाद जो है रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एससी के लिए 16% आरक्षित हैं, और जो है शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो 1% है, और जो है बैकवर्ड कास्ट के लिए 18% है, और ये बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है 12% है, और जो है रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए सिर्फ जो है वो 3%, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10% रिजर्व है, और अनारक्षित के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो है दोस्तों, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने में ही आप लोग को बहुत ही समझ आ गए होंगे। अगर फॉर्म भरने के लिए भी अगर जानना है हम बता देंगे, लेकिन जो है अभी ये सिलेबस के बारे में एक बार फ्रेंड्स जान लेते हैं। जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन 15 क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का। जनरल हिंदी आएगा 15 मार्क्स का। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आएगा 25 मार्क्स का, और जो जनरल अवेयरनेस आएगा 40 मार्क्स का। टेक्निकल लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल 25 मार्क्स का आएगा। ये जो है सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। हमारे चैनल को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।